ABC are three points such that AB is equal to 9 cm, BC 11 and AC 20. Number of circles passing through points A, B and C. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा. क्यों रहेगा? देखिए, तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी, जिसमें अपने को ए बी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस लेंथ दे रखी है, बी सी की लेंथ दे रखी है और ए सी की लेंथ दे रखी है. आप एक चीज गौर करिए, इन दोनों का सम ए बी प्लस बी सी का सम किसके इक्वल आ रहा है? ए सी के इक्वल आ रहा है. अगर दो लाइन सेगमेंट्स का सम, मान लीजिए तीन पॉइंट है आपके पास एक प्लेन में और उन तीनों से अपने पास लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, जैसे मान लीजिए ये ए ए बी और ए सी, तो ए बी प्लस बी सी जो है इनका सम बराबर आ रहा है किसके? ए सी के. इसका मतलब ये कोलिनियर हो गए, और अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हो गए तो तीन पॉइंट से कोई सर्कल पास नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि आप खुद देखिए, एक सर्कल अगर आप ड्रॉ करेंगे, कोई लाइन उसको कट करेगी तो कितने पॉइंट पर मैक्सिमम कट कर सकती है? दो पॉइंट पे, या हो सकता है वो उसको टच करके चली जाए, या हो सकता है बाहर से चली जाए, करेक्ट. तो इस केस में तीनों पॉइंट से तो कोई सर्कल पास हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कोलिनियर है. इसका मतलब यहां से कोई सर्कल भी पास नहीं होगा. गॉट इट? और एक चीज और जान लीजिए, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं. कोई भी दो पॉइंट हो, उनसे इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं डिफरेंट रेडियस के. तीन पॉइंट से, और तीन पॉइंट जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं है, वो थ्री पॉइंट्स, और वो क्या है? नॉन कोलिनियर. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल्स पास होंगे? तो ओनली वन सर्कल, याद रखना, ओनली वन. केवल एक सर्कल है जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा. ये तीनों तो कोलिनियर थे, मतलब एक लाइन पे थे, तो इनसे तो कोई सर्कल पास नहीं होगा. अगर ये तीनों नॉन कोलिनियर हो तो वन एंड ओनली वन सर्कल पास होगा. इसका एक प्रॉपर प्रूफ है, डेरिवेशन है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.